स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ भावना से, भावना पोरवाल। इनका जो सिलेक्शन है वो बैंक में हुआ है और ये अभी मुझसे मिलने आए थे, तो सोचा कि आपके लिए भी एक मोटिवेशन हो जाएगा। और एक और बात है जो कि आपसे बतानी थी, थोड़ी देर बाद बताऊँगा। इस वीडियो को बनाने का एक और उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि ये मिलने आए हैं मेरे से, मिठाई लाए हैं, तो ये आपको याद दिलाने के लिए बना रहा हूँ कि जब भी आपका सिलेक्शन हो तो यहाँ पे आना है और एक मिठाई का डब्बा लाना है। कितनी लाए, 1 किलो? वो क्वांटिटी या नहीं बताने की, इसे मजाक कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। चलिए, ये तो मजाक की बात होगी। मैं पिछले 2 सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, है ना, और ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी सारे लोग मुझसे मिलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत नैरो थिंकिंग रखते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से मिलते हैं, बोलते सर ऑनलाइन तैयारी हो जाएगी क्या? तो मैं आपको बता दूं कि भावना जो है पहले साल भर मुझसे ऑफलाइन पढ़ी है, जिसमें 1 साल हो गया था ना, हाँ साल भर ऑफलाइन पढ़ी है, लेयर 3 एजुकेशन पे यहाँ पे तैयारी की थी। उसके बाद में फिर जब कोरोना आ गया था तो मैंने बताया था, मैंने कहा ऑनलाइन अब तैयारी करो, ऑनलाइन बढ़िया हो जाएगा, है ना। हाँ, आगे की स्टोरी बताओ। सर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपके थ्रू ही लिया था। हाँ, उसके बाद से पूरा मतलब 1 ईयर सारी प्रिपरेशन अनअकैडमी से ही करी है मैंने ऑनलाइन। मतलब कोविड था उस टाइम पे, तो वैसे भी बाहर जाने का ऑप्शन था नहीं, और दूसरा ये है कि बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि टाइम भी सेव हो जाता है। मेरे को सबसे अच्छा वही लगा था कि ऑनलाइन में क्या होता है कि टाइम सेव हो जाता है, कोई क्लास अगर मिस हो जाती है तो बाद में भी आप उसको देख सकते हो, ये इसका एक बेनिफिट मेरे को सही लग रहा था। और मैंने जब बोला था तब विश्वास नहीं हुआ था ऑनलाइन का, बोले सर ऑनलाइन किसे तैयारी होती है? तो जनरली सबके साथ यही होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन तैयारी कर लो, बोले सर ऑनलाइन समझ नहीं आता। एक बार जब आप शुरू करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, और इवन आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आपके कितने नंबर आए और कितने समय तैयारी करी, वो थोड़ा सा इनको बता दो ताकि इनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। सर मैंने 1 ईयर प्रिपरेशन की है और मेरे मेंस के मार्क्स मुझे याद है 78.5 मेंस में आए। हाँ, और प्री का तो मुझे याद नहीं रहा। बहुत सारे लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन उनके लिए ठीक रहेगा, बेस्ट है सिलेक्शन हो जाता है। ऑफलाइन से भी अच्छा ऑनलाइन मानूंगी मैं। ऑफलाइन अपनी जगह है, सब सारी चीजें अपनी अपनी जगह है, लेकिन वो लोग जो ऑफलाइन नहीं जा सकते, मतलब एक टाइम सेविंग भी है, तो अगर किसी को आने में कुछ इशू है या कुछ ऐसा है तो वो डेफिनेटली ऑनलाइन कर सकता है। हाँ, मेरे एक दीदी का लड़का है, वो यहाँ पे आ रहा था मंदसौर पढ़ने के लिए, बोले मामा मेरे को वहाँ आके पढ़ना है, तो मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने कहा बेटा तू घर पे ही रहे और घर पे तेरी मैं अच्छी तैयारी करवा दूँ। उसको भी मैंने सब्सक्रिप्शन दिलवाया और आज वो तैयारी बढ़िया कर रहा है, थोड़े बहुत टाइम में उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कई सारे बच्चे क्या मानते नहीं है, बोले सर ऑनलाइन नहीं होता है, चाहे उनको क्लासेस नहीं मिलेगी वो टाइम पास करेंगे बाहर, लेकिन पढ़ते नहीं है। तो आप ये विश्वास रखिए कि अगर आप घर पे भी बैठे हैं तो ऑनलाइन आपकी बहुत कम समय में अच्छे से तैयारी हो जाती है। ये एग्जांपल आपके सामने है, है ना, इनकी जॉब बैंक में लगी है, और कहाँ पे अभी पोस्टिंग, कहाँ पे? गोधरा में पोस्टिंग है। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं बच्चों को, जो आपने चीज़ें फेस करी है या जो आपके साथ में जैसे कई बार डीमोटिवेशन आ जाता होगा, है ना, और इनके इनकी सिस्टर भी है अभी हमारे साथ में बैठी है, इनका भी नेक्स्ट टाइम इनका भी सिलेक्शन होने वाला है, ये भी अभी ऑनलाइन ही कर रहे हैं तैयारी, है ना। हाँ, हो गई उधर से, ठीक है। और अपनी तरफ से कुछ जिससे बच्चे थोड़े से मोटिवेट रहे हैं, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई तो देखो सब लोग करते हैं, पर कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन आता है, तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ रोज़ होती रहे जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। बताओ, क्योंकि आपकी बात पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जब पढ़ाई करते हैं तो लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा करते हैं, तो नेगेटिविटी पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करना है। एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को ये कैसे भी अचीव करना है, तो वो हो जाएगा 100%। मैंने सोचा था कि मेरे को बैंक की जॉब लेना ही है, और एक टाइम पीरियड भी मैंने डिसाइड किया था कि इतने टाइम में मुझे निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कंटिन्यू प्रिपरेशन करी पूरा 1 ईयर। मतलब मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है, मतलब ऐसा हो जाता था कि 3-3 दिन में रूम से बाहर भी नहीं निकलती थी, ऐसे पढ़ाई मैंने कंटिन्यू की है। तो वही चीज़ है कि रिजल्ट फिर मेहनत का मिल ही जाता है। कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा जॉब लगाने के लिए? सर ये तो मैं नहीं बोलूंगी, नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 7-8 घंटे तो देने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल देने ही पड़ेंगे। मैं तो बोलता हूँ 7-8 घंटे के अपना पूरा टाइम जो कुछ काम होता है, अपना खाना है, नहाना है, बाकी जो उसके अलावा सारा पढ़ाई को ही देने का है टाइम। देना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो संघर्ष तो करना। एक चीज़ और है कि या तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम दो और लंबे टाइम तक दो, या फिर ज़्यादा टाइम दो और कम टाइम में निकाल लो, दोनों चीज़ें हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पढ़ाई करना ज़रूरी है, और अगर आप अपने घर पे बैठे हैं, किसी भी गांव में हैं, गांव के किसी भी अगर आपके घर में एक छोटा सा कोना भी है तो वहां पे भी बैठे बैठे आप कलेक्टर भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू भावना, आप आए, अच्छा लगा, है ना। और आप लोग भी तैयारी करते रहिए, आप सभी का सिलेक्शन होगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।